मैं आपकी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर दूंगी अगर आपको ये लगता है कि गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम नागी एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट का रिव्यू नहीं ऑनेस्ट रिव्यू जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी उसके सर्चेस उसे कैसे यूज करते ऑल्सो उसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड मूव ऑन करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बन जाइए मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आउटर पैकेजिंग की तो कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें ये प्रोडक्ट मिलता है सो नाउ आई विल ओपन इट ये रहा प्रोडक्ट ये एक प्लास्टिक का पैलेट है जिसमें हमको 8 पैचेस मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं आपको बता दूं कि ये जो हमें 8 पैचेस मिल रहे हैं ये एक ही प्रोडक्ट के नहीं है मींस ये जो सबसे पहला वाला पैच है इसमें हमको कॉन्टोरिंग के लिए मिल रहा है क्रीमी कॉन्टोरिंग है इसका मैं आपको सजेस्ट दिखाती हूँ देख सकते हैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है मींस ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से इसकी हो जाती है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है पर कॉन्टूर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है जो हमें कॉन्टूर पर स्टेट चाहिए पड़ता वो नहीं है और कॉन्टोर्स मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ सो आई थिंक कॉन्टोर इसका मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया अब सेकंड बात करते हैं कलर करेक्टर की तो हमको ये मिल रहा है ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर का यूज़ हम मैं आपको अपनी एक और वीडियो में बता चुकी हूँ कलर करेक्टर यूज़ हम अपने पिगमेंटेशन पिंपल्स को हाइड करने के लिए करते हैं सो ये उसी के लिए जैसे अपने पिंपल्स वगैरह को हाइड कर सकते हैं तो इसका कलर करेक्टर का मैं आपको सजेस्ट शो करती हूँ एक बात क्लियर कर दूँ ये क्रीमी है और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग है मीन्स ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है इनकी यू कैन सी मीन्स ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाते हैं ये हमारा कलर करेक्टर था अब मैं आपकी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर दूंगी अगर आपको ये लगता है कि हमें ये जो 6 पैचेस मिल रहे हैं ये 6 ही सेम कंसीलर के सेम शेड के प्रोडक्ट है देन ऐसा नहीं है हमें जो ये वाला सेकंड नंबर का जो कंसीलर का पैचेस मिल रहा है ये पिंक शेड का कंसीलर है ये वाला जो पैचेस है ये ब्राउन शेड के कंसीलर है एंड ये वाले लाइट शेड के कंसीलर है एक चीज़ और ये दोनों भी सेम नहीं है ये वाला जो कंसीलर है ये थोड़ा सा लाइट पिंक है ये थोड़ा सा डार्क पिंक है ये वाला जो शेड है इन दोनों में ये थोड़ा सा लाइट वार्म टोन में है ये डार्क सेम ऐसे इधर ये थोड़ा सा लाइट कंसीलर ये थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डार्क शेड है मींस हमें एक तो कंसीलर के 3 शेड मिल रहे हैं ऊपर से उन शेड के भी शेड मिल रहे हैं सो या मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी मींस हमें अगर आई या ये कंसीलर चाहिए तो ये वाला बेस्ट है फेस के लिए हम इसे एज अ फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फाउंडेशन है और आपके पास ये पैलेट है तो आप इसे फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं पर मुझे जो इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मीन्स पसंद नहीं आया वो है ये कॉन्टोरिंग वाला प्रोडक्ट क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा क्रीमी है एंड कॉन्टोरिंग के लिए हमें पाउडर बेस्ट होता है सो कॉन्टोरिंग इसकी बहुत अच्छी भी नहीं है मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ हमें जो कॉन्टूरिंग के लिए चाहिए पड़ता है शेड वो हमें मिल ही नहीं रहा है अब मैं आपको दिखाऊंगी कंसीलर के शेड्स तो सबसे पहले मैं ये वाला पिंक शेड का जो कंसीलर है उनके शेड्स आपको दिखा देती हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा लाइट ही थोड़ा सा डार्क है शायद कैमरा इतना टच नहीं कर पा रहा होगा पर मैं कह रही हूँ ना सो ट्रस्ट मी एंड मैं इसे ब्लेंड करके भी दिखाती हूँ जैसे कि मैंने कहा ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी है बिकॉज ये क्रीमी टेक्सचर में है
कंसीलर मुझे पसंद आए, मीन्स कंसीलर से मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे पसंद आए, पर मुझे बस कॉन्टोरिंग का थोड़ा सा लग रहा था कि यार मीन्स जो कॉन्टोरिंग के लिए मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिला है। अब मैं इसके आपको शेड्स दिखाती हूँ, इस ये वाला, ये हमारा थोड़ा सा लाइट वार्म शेड है, ये थोड़ा सा डार्क वार्म शेड है। स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये वाले शेड के पैचेस, स्वेचेस। ओवरऑल मैं यही कहूँगी गाइस कि अगर आप, सबसे पहले मैं इसकी प्राइस आपको बता दूँ तो इस जो मैंने इसे लिया था ये था, मुझे मिला था 350 समथिंग, जो इसकी, क्योंकि मैंने इसे सेल में बाय करा था, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँ क्योंकि मुझे याद नहीं, पर मैंने इसे जब सेल में खरीदा था तो मुझे 350 का ही मिला था। या तो मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये महंगा तो नहीं है, पर अगर आप बिगनर हैं, आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे एक ही प्रोडक्ट में नहीं लगाना चाहते, देन आप कंसीलर अलग से खरीद लें एंड कलर करेक्ट अलग से खरीदें, तब भी आपको इतना ही पड़ेगा। पर अगर आपको बहुत सारे शेड्स चाहिए और आपको कलर करेक्टर अलग से नहीं लेना है, देन आप ये खरीद सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तब तीन प्रोडक्ट एक ही पैलेट में मिल रहे हो इसलिए आप ये पैलेट खरीद रहे हैं, तो गाइस इसका कॉन्टोरिंग उतना अच्छा नहीं है कि आप इनकी वजह से इसे लें। सो आप अगर कॉन्टोरिंग अलग से आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप अगर कंसीलर आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि कंसीलर होता है ना, सो अगर आपके पास कंसीलर है देन आप कलर करेक्टर बस ले लीजिए, क्योंकि कॉन्टोर आपको अलग से खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी इतनी अच्छी, मीन्स इसका जो हमें शेड मिल रहा था वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा था यहाँ, सो आपको लेना ही पड़ेगा अलग से। दैट्स व्हाई आई वांट से दैट कि अच्छा है पैलेट, पर अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा महंगा है। अगर आपके पास कंसीलर तो यार समझ रहे हो ना बात को कि इस पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। ये था मेरा आज का रिव्यू एंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा डैमेज है वो, मुझे मैंने इसे नायका से ऑर्डर करा था, मुझे ऐसा ही वहाँ से मिला था। मैंने बहुत सारे उनको रिक्वेस्ट डाले, कॉल करा, ईमेल करा, जो जो मुझसे हो पाया वही, पर उन्होंने मेरी एक भी रिक्वेस्ट को नहीं माना। ओके, पर मैंने कहा क्या करना, मुझे पहले से मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये था आज का वीडियो एंड मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।